नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्ट स्टार न्यूज और मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। बात करेंगे पंजाब की खबरों की। लुधियाना से लोक इंसाफ पार्टी के मुखी और विधायक सिमरजीत सिंह बैंस ने केंद्र और राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा, जिन्होंने जीएसटी के अलावा पंजाब में खजाना खाली को लेकर भी मौजूदा सरकार और केंद्र सरकार पर कई तरह के सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि जीएसटी को लागू करना गलत कदम था। पंजाब में खजाना खाली को लेकर कैबिनेट के होने वाली मीटिंग को लेकर भी बैंस ने मौजूदा सरकार को निशाने पर लिया और कहा कि पंजाब सरकार हर कार्य में फेल साबित हुई है। जाऊगा पंजाब के हिस्से का, फिर वो दिल्ली वालों के रहमो करम से आप रहेंगे कि वह मोड़ते हैं या नहीं मोड़ते। मैं उदन कहा भी ये बनदिया सोधा जड़िया ने वो पहला करो, स्टेट अपना हक पहला रखे, टैक्स कट्ठा असी करिए तो उन्होंने पे कर दिए, मुड़ के भिखारियों की लाइन च खड़े हो जाइए भी तुम सानू हुण दोगे कदों। चाहिए से असच इस टैक्सेशन GST दे विच ये बहुत सारिया खामियां ने। यह हर चौथे महीने तरीक वधा देंदे आ खामियां दूर करन दी, पर खामियां दूर होईयां नहीं। इस करके ये रहना ही है, ये दिक्कत आनगियां। जिनी देर स्टेटा अपना हिस्सा पहला नहीं रख दियां उन्नी देर ये दिक्कत स्टेटा नू आनगियां। स्टेटा दा वध अधिकार मंगण वाले अज खामोश बैठे है। इस नू पाउण वास्ते पंजाब दे हालात वध तों बदतर है। ऐसियां चर्चावां ने पंजाब दे सारे DCs नू हुक्म जारी होया भी जिहड़ियां प्राइम लोकेशन महंगीयां प्रॉपर्टियां सरकारी उन्हां दी डिटेल लैके आओ। हुण महंगीयां प्रॉपर्टियां बेचणगे, गिरवी रखणगे, लोन चक्कणगे तां कि आउण वाली 2022 दी असैंबली इलैक्शन मौके लोकां नू फिर वड्डे वड्डे सब्ज बाग कांट की हांडी एक बार चढ़ती है, बार बार नहीं। खजाना खाली आ, तनखावां नहीं मिल रहियां, हाहाकार मची हुई है। तो कैप्टन अमरिंदर सिंह मौज मस्तियां वास्ते इंग्लैंड, सो GST का रौला पाते हैं। ये उही सरदार मनप्रीत सिंह बादल जिदन एक देश एक टैक्स की गल तुरी सी, वन नेशन वन टैक्स की गल तुरी सी, तो सरदार मनप्रीत सिंह बादल सब तो वड्डे हमायती से, असी उदन भी विरोध किया सी। अमृतसर में पुलिस ने सचखंड श्री हरमंदिर साहिब आने वाले श्रद्धालुओं को लूटने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। बताया जा रहा है कि युवक नशे के लिए लूटपाट की घटना को अंजाम देते थे और ये लोग अब तक 20 से ज्यादा श्रद्धालुओं को लूट चुके हैं। पुलिस ने युवकों से लूट के मोबाइल, सोने के गहने और नकदी बरामद की है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। भंडारी पुल इर्द गिर्द बी डिवीजन और रामबाग थाने दे विच जिहड़ियां काफ़ी स्नैचिंग्स जिहड़ियां होईयां सी, इहदे विच साडी जॉइंट टीम ने रल के जिहड़ी है चंगी प्राप्ति की है, जिहदे विच इन्हां ने जिहड़े तीन बंदिआं नूं अरैसट किया, एक रमनदीप सिंह, प्रिंस एलियस मोटा ते आशु पंडित, जिहड़ा इन्हां नूं बरामद करके कोई 20 दे करीब जिहड़ियां वारदातां आ उन्हां दा जिहड़ा इन्हां ने खुलासा किया, जिहदे विच एक मेन वारदात एक फॉरनर आए सीगे, उन्हां नूं ऑटो ते जा रहे सीगे, उन्हां ने बैग स्नैच किया सी जिहदे विच उन्हां दी 175 ग्राम दे ज्वेलरी सी करीब और मोस्टली 6000 रुपया जो कि सारी दी सारी जिहड़ी है रिकवर कर ली है। और मोगा में पुलिस को एक सफलता हाथ लगी है। यहां पुलिस ने नशा तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने तस्करों के पास से नशीला पदार्थ भी बरामद किया है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने 3 तस्करों को गिरफ्तार किया। मोगा के SPH रतन सिंह बराड़ ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर नाकाबंदी के दौरान अजीत वाल के पास लुधियाना से आ रही गाड़ी को रोका गया, जिसकी तलाशी लेने पर नशीला पदार्थ बरामद किया गया है। फिलहाल पुलिस ने तस्करों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। हाँ जी, मोगा पुलिस CA स्टाफ ने रिकवरी की है। कार ते सी कोई आदमी सी, इहदे कोलों इहदे पोजेशन चो 3 किलो अफीम जिहड़ी फड़ी गई है और वरना कार है एक 8,80,000 रुपये जिहड़ी ड्रग मनी है वह रिकवर हुई। प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन कुछ सर पता लग गया जी? ये प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन जी तुहानूं जिहड़ी दस रहे हैं जी, जिहड़ी फर्दर होएगी वह किन्ने मुकदमे दर्ज है सर इत्थे? ये एंटीसीडेंट्स पता किए जा रहे भी उत्ते जिहड़ा जिहदा पिछला रिकॉर्ड की हैगा, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड की है। ये बेदी नगर है मोगा जी, इत्थों दे रहण वाले।
पंजाब में आए दिन बलात्कार और छेड़छाड़ की वारदातें रुकने का नाम ही नहीं ले रही हैं। यहां कई लोग धार्मिक स्थानों को भी नहीं बख्शते। ताजा मामला मोगा के इंदरगढ़ गांव के एक गुरुद्वारे का है। यहां एक शख्स ने छोटी बच्चियों के साथ अश्लील हरकत की, जिसकी शिकायत परिजनों ने पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए शख्स को हिरासत में ले लिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। जीत सिंह ग्रंथी है जी, पिंड इंदगढ़ बाबा जीवन सिंह गुरुद्वारे का। ते किस चक्कर च फड़िया जी उत्थे? ग्रंथी बाबा गुरुद्वारा साहब दे नाल बच्चियां नूं पाठ सिखाउंदा सी। कोई 9-10 साल दे बच्चे इहनां कोल, लड़कियां लड़के पाठ सिखदे। उहनां चों 3 लड़कियां नाल इहनां अश्लील हरकतां कीतियां ने, जिन्हां दे पेरेंट्स ने ਬਿਆਨ ਲਿਖਾ ਕੇ ਮੁਕਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਾਏ? 3 ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਕਰਾਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਕੀ ਕਰਦਾ ਕੀ ਸੀਗਾ ਜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਕੀ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਕੀ? ਪਾਠ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਸੱਦ ਕੇ। ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। श्री गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाश उत्सव पर पंजाब सरकार की तरफ से इंटरनेशनल कबड्डी टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। आपको बता दें, ये प्रतियोगिता 1 दिसंबर से 10 दिसंबर तक चलेगी, जिसकी समाप्ति डेरा बाबा नानक में होगी, जिसमें 3 तारीख को 2 मैच अमृतसर के गुरु नानक स्टेडियम में खेले जाएंगे। आपको बता दें, इस बात की जानकारी अमृतसर के DC शिव दुलार सिंह ने गुरु नानक स्टेडियम में प्रेस से बातचीत करते हुए दी। उन्होंने कहा कि ये मैच लोगों को फ्री में देखने को मिले, इसके लिए कोई भी फीस नहीं रखी गई है। ਜਿਹੜੀ ਜੋ DSO ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਪਰ 2 ਮੈਚਸ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਸ਼ਡਿਊਲ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 2 ਮੈਚਸ ਹੋਣਗੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ 3 ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੀ, ਔਰ ਟਾਈਮ ਵੀ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਮੈਚ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਚਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਡਰਾਅ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਟੀਮ ਦਾ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਮੈਚ ਫਿਕਸਚਰ ਹੋਏਗਾ, ਫਿਕਸਚਰ ਫਿਕਸ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਪੂਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਟੇਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਫਾਈਨਲ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਵੀ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੀ। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए बी स्टार न्यूज़। नमस्कार।